हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अम्बिशियस बाबा डॉट कॉम। वी आर बैक विथ आर डेली करंट अफेयर्स। चलिए जानते हैं 19 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200+ का पार्ट 2 पढ़ाया था हमने लास्ट संडे को। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने ऋण वितरण कार्यक्रम आर्थिका स्पंदना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए कर्नाटका। कर्नाटका की सरकार ने एक लोन डिसबर्सल प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है आर्थिका स्पंदना। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे इसी के लिए, कर्नाटका की सरकार के इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए हमारी केंद्रीय सरकार ने लगभग 5,500 करोड़ की सहायता दी है कर्नाटका की सरकार को, जिसके तहत कर्नाटका का जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन या फिर मजबूत किया जा सके। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स अब। तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 16 सितंबर को लॉन्च किया है आर्थिका स्पंदना, जिसके तहत वो 39,300 करोड़ के जो लोन्स हैं वो अलग अलग कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से डिसबर्स करेंगे, जिसके तहत लोगों को कोविड-19 और बाढ़ जैसी सिचुएशन से उभरने में आसानी हो। तो ये जो कुल मिलाकर 39,300 करोड़ के जो लोन दिए जाएंगे उसमें से 15,300 करोड़ दिए जाएंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर को, यानी कि हमारे किसानों को, और बाकी के 24,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर को। और ऐसा मानना है कि जो 15,300 करोड़ है इसमें से लगभग 8,000 करोड़ पिछले एक वर्ष में ऑलरेडी कर्नाटका की सरकार ने लोन्स दे दिए हैं हमारे फार्मर्स को ऑन 0-3% इंटरेस्ट रेट। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्नाटका के बारे में। तो कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु, उनके गवर्नर का नाम है वाजुबाई वाला और उनके मुख्यमंत्री का नाम है बीएस येदियुरप्पा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू ने 4th ग्लोबल आयुर्वेदा समिट का उद्घाटन किया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जो चौथा एडिशन है ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट, उसे वर्चुअली इनॉग्रेट किया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट मूवा वरूपो वेंकैया नायडू, जिन्हें हम एम वेंकैया नायडू के नाम से भी जानते हैं। और इस बार का उनका थीम है कि आयुर्वेद के लिए क्या इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है इस पैंडमिक के टाइम। इस समिट को हेल्ड करने का पर्पस यही है कि दुनिया के सामने आयुर्वेद इम्यूनिटी मॉडल को शोकेस किया जाए ग्लोबल लेवल पे विद द सोल्यूशन जिसका नाम है हेल्थ एज वन एंड इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही है काफ़ी ज़ोरों शोरों से, और लगभग 150 कंपनीज़ इस रेस में शामिल है। लेकिन सबने देखा है कि भारत का जो मोर्टालिटी रेट है कोविड-19 का वो सबसे ज़्यादा कम है, लगभग 2% के आसपास है भारत में डेथ रेट ड्यू टू कोविड-19। और ये लार्जली पॉसिबल हुआ है ड्यू टू आयुर्वेदिक इम्यूनिटी मॉडल। हमारा भारत में बरसों से इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लोग आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, इसके लिए लोग योग प्राणायाम ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं। और ग्लोबली अब ये हम दिखाना चाहते हैं कि इससे कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और हमारी खुद की इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने केंद्र के 3 फार्म विधायकों के विरोध में केंद्रीय मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दिया है एज ए यूनियन मिनिस्टर। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जो शिरोमणि अकाली दल की लीडर है और हमारी केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल ने नरेंद्र मोदी की सरकार से इस्तीफा दिया है। ये जो 3 फार्म बिल्स जो हमारे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए गए हैं उसके विरोध में, इसके साथ साथ
ये एकमात्र शिरोमणि अकाली दल की रिप्रेजेंटेटिव है मोदी गवर्नमेंट में, और पंजाब पार्टी इनकी सबसे पुरानी दोस्त है। और सुखबीर सिंह बादल जो कि एसएडी के चीफ हैं, उनका ये कहना है कि ये जो बिल्स लाए जा रहे हैं इसमें ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जो फार्मर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाते हैं। चलिए मैं आपको रफली बता देती हूँ ये बिल क्या है। इसके तहत जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपना जो प्रोड्यूस है वो बेच सकते हैं आउटसाइड रजिस्टर्ड मंडीज। सरकार का ये कहना है कि इससे हमारे फार्मर्स को फ़ायदा होगा, बिकॉज इससे वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और जिसको चाहते हैं उसको अपनी प्रोड्यूस बेच सकते हैं, उन्हें मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ जो मंडी के लिए वो टैक्स पे करते हैं वो भी उन्हें नहीं देना होगा, और जो भी मिडिलमैन जिनके थ्रू वो अपना सामान बेचते हैं उन्हें भी उन्हें कमीशन नहीं देना होगा। तो हमारी केंद्रीय सरकार का ऐसा मानना है कि इस बिल को पास होने के बाद हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फार्मर्स खुद नेगोशिएट करेंगे कि उन्हें किसको बेचना है और किस प्राइस पे बेचना है। और इसके साथ साथ ये जो मिडिलमैन के कमीशन है, मंडीज़ के टैक्स है, ये भी उन्हें नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है, बिकॉज ऐसा उनका जो हमारे किसान हैं उनका ऐसा मानना है कि उनके अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि इससे जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, फार्म हाउसेस हैं, वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और वो बल्क में जो हमारे किसान हैं उनसे खरीद लेंगे ये सारी चीज़ें और बढ़ा के दाम में बेचेंगे, और इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसी विवाद को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने अपने इस्तीफा दिया है एज दी यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, उस यूनियन मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जॉइंट G20 फिनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी जो सऊदी अरेबिया के अध्यक्षता में हुई थी उसमें शामिल हुए हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में संयुक्त G20 वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक है उसमें शामिल हुए हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे केंद्रीय मंत्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और उन्होंने जॉइंट G20 फिनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसमें हिस्सा लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और इसमें अध्यक्षता रही है सऊदी अरेबिया की। तो उन्होंने इसमें कई सारे जोर दिए थे कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं कि अगर हम पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इससे हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और इसके साथ साथ लोगों का जो फेथ है हमारे हेल्थ सिस्टम में वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसका अप्रोच एक ऑलरेडी अंडरवे है हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो इस बात पे उन्होंने जोर दिया था कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करें, बिकॉज इसके जो बेनिफिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसके साथ साथ जो हमारे कॉमन सिटीजन्स हैं जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी अफोर्डेबल हो जाएगा, और इनके साथ साथ उनका जो गवर्नमेंट में फेथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, किस हवाई अड्डे को दुनिया के प्रथम 5-स्टार एंटी कोविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए फ्यूमीसिनो एयरपोर्ट जो कि है रोम इटली में, उसे सम्मानित किया गया है एज दी वर्ल्ड्स फर्स्ट 5-स्टार एंटी कोविड अवार्ड। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जो FCO है यानी कि फ्यूमीसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि रोम इटली है में है, उसे वो दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसे सर्टिफाइड किया गया है विद द COVID-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग। और ये जो रेटिंग है ये दी है स्काई ट्रैक्स ने जो कि एक UK बेस्ड एयरपोर्ट एंड एयरलाइन रिव्यू फर्म है। इसके साथ साथ FCO को जाना जाता है एज ए लियोनार्डो डा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इटली का सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। तो ये जो स्काई ट्रैक्स है इन्होंने कई सारे पैरामीटर्स चेक किए हैं जिसके हिसाब से उन्होंने रेटिंग दी है,
कि कैसे जो ये FCO एयरपोर्ट है वो कैसे अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और COVID-19 के संक्रमण को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि जो उनका प्रोसीड्यूर चेक्स है वो कितना ज़्यादा रूटीन है, इसके साथ साथ वो विजुअली क्या सब अपने एयरपोर्ट्स पे ध्यान रखते हैं। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर जज करके उन्होंने ये अवार्ड दिया है लियोनार्डो डा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और इसके साथ साथ उन्होंने ये 5-स्टार रेटिंग कमाई है अपने हाइजीन प्रोसेसेस के लिए, और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बाकी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए जिससे कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो रिड्यूस किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, हमारे केंद्रीय ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत तक कर दी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी 74%। तो हाल ही में हमारी सेंटर ने FDI की जो लिमिट है डिफेंस सेक्टर में वो 49% से बढ़ा करके कर दी है 74% अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI लिमिट थी डिफेंस के क्षेत्र में उसे 49% से बढ़ा करके 74% कर दी है अंडर दी ऑटोमेटिक रूट। और इसके साथ साथ अब 74% से ज़्यादा अगर कोई भी फॉरेन कंपनी निवेश करना चाहेगी तो उन्हें गवर्नमेंट रूट अपनाना होगा, यानी कि उन्हें अप्रूवल लेना होगा। और इसके साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज ये भी है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे डिफेंस के क्षेत्र में इसमें इनमें स्क्रूटनी की जाएगी ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि कोई भी कंपनी जो निवेश करेगी और ऐसा पाई जाएगी कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज से वो अलग है या उनमें कुछ लूप होल्स हैं तो उसके लिए हमारी सरकार उन्हें स्क्रूटनाइज करेगी, और ऐसा हो सकता है कि उनका जो ये निवेश है उसे रिजेक्ट भी किया जा सके, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट कुछ भी जाएगा तो वो डिफेंस सेक्टर में अलाउड नहीं होगा। और ये जो अप्रूवल दिया गया है 49% से 74% का, ये दिया गया है अंडर द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और इसके साथ टाइम टू टाइम हमारी सरकार अमेंडमेंट्स लाती जाएगी जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, और इसके साथ साथ हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी है उसे भी ध्यान में रखा जा सके और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां सवाल, इनमें से किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जा रहा है, बिकॉज उन्होंने मिलियंस लोगों को खाना खिलाया है अमिड COVID-19 क्राइसिस। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी शेफ विकास खन्ना को ऑनर किया जा रहा है विद द एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो मिचेलिन के जो स्टार शेफ है विकास खन्ना, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है विद द 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड, बिकॉज COVID-19 पैंडमिक के टाइम उन्होंने बहुत सारे लोगों को भारत में खाना खिलाया है। उन्होंने एक फीड इंडिया, लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए, फीड इंडिया नाम का एक मैसिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव चालू किया था जिससे उन्होंने भारत के लगभग हर शहर में खाना पहुंचाया है। इससे 35 मिलियन लोगों को उन्होंने खाना पहुंचाया है, चाहे वो सूखा राशन हो या फिर कुक्ड राशन हो। इसके साथ साथ 20 लाख लोगों को उन्होंने मास्क प्रोवाइड किए हैं, 5 लाख लोगों को स्लीपर्स प्रोवाइड किए हैं, और इसके साथ साथ 3.5 मिलियन लड़कियों और औरतों को उन्होंने सैनिटरी पैड्स पहुंचाए हैं। और ये सब रहे, उन्होंने अपने जो घर है उनका मैनहट्टन वहां से कोऑर्डिनेट किया है। तो ये जो एशिया गेम चेंजर अवार्ड्स है जो कि एशिया सोसाइटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है US बेस्ड, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कुछ टू लीडर्स को जिन्होंने फ्यूचर ऑफ एशिया में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है। तो एशिया में से कुल 6 लोगों का नाम दिया गया था जिसमें से भारत में से एकमात्र थे शेफ विकास खन्ना, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है विद द एशिया गेम चेंजर अवार्ड्स 2020। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां सवाल, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन
नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने किताब लिखी है जिसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो अरुंधति रॉय ने हाल ही में एक नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। ये जो किताब है इसमें कई सारे कलेक्शन हैं ऑफ एसेज, और इसमें भी उन्होंने सरकार के खिलाफ लिखा है एज यूजुअल। तो ये जो किताब है जिसमें कई सारे पेनिट्रेटिंग एसेज रहे हैं पॉलिटिक्स पे, लिटरेचर पे, और उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन जो रीडर्स हैं उनके ऊपर छोड़ा है और उनको चैलेंज किया है कि वो खुद अपने अंदर झांक के देखें और ट्रू मीनिंग क्या होता है आज़ादी का उसे जज करें, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि दुनिया में अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ते जा रहा है, तो उसमें हर इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम के मायने क्या हैं। और इसके साथ साथ वो लोगों को ये चेतावनी देती हैं कि ये जो आज़ादी है ये हैंग करता है इन द बैलेंस फॉर ऑल ऑफ अस, और ये कैटेगरी में रहेगा सोसाइटी एंड कल्चर। तो चलिए अब एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि अरुंधति रॉय की लिखी गई कौन कौन सी फेमस किताबें हैं। तो पहला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दूसरा है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, तीसरा है द कॉस्ट ऑफ लिविंग, चौथा है एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, और पांचवा है कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां सवाल, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 18 सितंबर। 18 सितंबर को हर साल विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो द वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे हर साल 18 सितंबर को मनाया जा रहा है सिंस द ईयर 2003। ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके और उन्हें और ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा सके हमारे वाटर मॉनिटरिंग और प्रोटेक्टिंग के जो मिशन है उसमें, कि कैसे जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं हमारी दुनिया में वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कैसे इंडिविजुअली हर लेवल पे हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसे सहेज के रखने में और उसे बचाने में। और इसके साथ साथ से बड़ी बड़ी नदियाँ ही ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें बचाएँ, उसके अलावा जो स्ट्रीम्स है, एस्चुरीज है और बाकी छोटी भी वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें भी कंजर्व करना और उन्हें भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, और इस साल उनका जो थीम है वो है सॉल्व वाटर। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। दसवां सवाल, इनमें से किस दिन वर्ल्ड बैम्बू डे हर साल मनाया जाता है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 18 सितंबर को। हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा कि वर्ल्ड बैम्बू डे हर साल ग्लोबली 18 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं बैम्बू यानी बांस के, और कैसे हम इसे प्रमोट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी एवरीडे प्रोडक्ट्स में। और इस साल का उनका थीम है बैम्बू नाउ। तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना डिज़ायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो या फिर कोई सजेशन हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।